शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान शहर भर में मोबाइल चोरी सहित अन्य लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 नग मोबाइल चोरी की मोटरसाइकिल, सोने की टॉप सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त करने की जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दुर्ग जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 12 मामलों में सफलता हासिल करने की बात कही है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी किए गए 11 मोबाइल सहित सोने के टॉप्स, एक चोरी का वाहन एवं चोरी का मोबाइल बेचने के लिए प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। उक्त चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में यह 3 आरोपी घूम रहे थे, जिसे घेराबंदी कर जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्राप्त 11 मोबाइल के मालिकों की सूची जारी कर दी गई है, जिससे मोबाइल के मालिक अपने मोबाइल को कंट्रोल रूम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दुर्ग शहर में हो रहे मोबाइल को स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग के संदर्भ में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़ाए गए हैं। विभिन्न थानों में इन 3 अपराधियों के खिलाफ करीब 11 प्रकरण दर्ज हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन सब पे 3 थानों पर उनकी गिरफ्तारी की जाकर के उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्परता दिखाते हुए चोरी के मोबाइल की बड़ी खेपों को बरामद किया जा रहा है और इन सभी मामलों में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।